हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे, पांडे डेंटल क्लिनिक से। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्केलिंग का वीडियो लेके आई हूँ। स्केलिंग का मतलब दांतों की सफाई। जब भी कभी हमारे दांत में समस्या शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत गंदगी से ही होती है, तो इसीलिए ये आपको दिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके से दांत की सफाई होती है डेंटल क्लिनिक में, जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। पेशेंट बहुत डरते हैं कि जब वो क्लिनिक में जाते हैं तो कि क्या दर्द तो बहुत नहीं होगा कराते समय, या दांतों की सफाई कराते समय कहीं खून तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जब हम सफाई कर लेंगे तो जैसे पहले दांत के साथ खाना खाते थे, कहीं कोई परहेज़ तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो आज ये वीडियो जो अभी आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, उसमें इस लड़की का दांत का सफाई किया जा रहा है। इसमें इसके टार्टर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते होते इतने ज़्यादा कैल्सिफाइड हो गए कि ये पत्थर का रूप ले लिए, और इसके मसूड़े जो है वो काफ़ी नीचे चले गए थे। यहाँ पे इसका जो सफाई है वो अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत ही आसानी से इसके जो कैलकुलस है वो निकल जा रहे हैं, वो रिमूव हो जा रहे हैं, और उसके पार्टिकल्स और सक्शन के द्वारा उसे खींच लिया जा रहा है। थोड़ी देरों के बाद इसका पूरी सफाई दांतों की हो जाएगी, फिर इसे पॉलिशिंग कर देने के बाद इसको फ्री कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए इसको थोड़ा एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे कि क्लोस्ट्रोलिन मसाजर या ओमनीडेंट टाइप का कोई पेस्ट इसको प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, जिससे कि इसकी ब्लीडिंग की जो समस्या है वो थोड़ी ठीक हो जाए। विटामिन सी की डिफिशियंसी होने की वजह से इसके मसूड़े में काफ़ी रेडनेस है, इस वजह से 1 मंथ के लिए इसको विटामिन सी जो मेडिसिन है वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। आइए अब हम इस लड़की से बात करते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या बताती है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा दांत की सफाई को लेकर के। ठीक है, जब आपकी दांत का सफाई कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? दर्द नहीं हुआ, जितना सोच रहे थे वैसा दर्द नहीं हुआ। ठीक है, अब खून निकल रहा था तो आपको तो बहुत लग रहा था कि अब ये खून बंद नहीं होगा, लेकिन अभी खून आ रहा है क्या? नहीं, जितना सोच रहे थे उतना ब्लड नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहती है कि दांत का सफाई कराना जरूरी होता है या फिर वैसे ही छोड़ देना चाहिए? दांत का सफाई कराना जरूरी है। अब आपकी दांत कैसे लग रहे हैं दिखाइए हमको, ऐसे कीजिए, ऐसे दांत देखिए कितने अच्छे इसके दांत का चमक आ चुका है वापस। तो आप लोगों से भी यही है कि हमेशा हर 6 महीने पर अपने दांत की सफाई करते रहिए, ताकि आप जब मुस्कुराएं तो आप में वही कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके मन में भी अगर दांत की सफाई को लेकर के कोई समस्या लगती हो तो वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय। तुम भी कहो बाय बाय। बाय बाय।